हाँ जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यार से चैनल नॉलेज दर्शित में। हरियाणा बोर्ड सितंबर परीक्षा, बोर्ड ने लिया सख्त फैसला, अब नहीं लगेगी नकल। हाँ जी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कंपार्टमेंट की परीक्षा में नकल रोकने के लिए जो है वो एक नया फैसला लिया है, और ये हर साल ही होता है, और बच्चों के नज़रिए से तो जो है ये गलत फैसला, मतलब उनके लिए तो ये सैड न्यूज़ है एक तरह से, और जो बोर्ड के नज़रिए से ज़रूरी भी है, और वैसे भी ये देखा जाए तो ये फैसला लेना ज़रूरी था, और मतलब बच्चों के नज़रिए से तो ये बुरी बात है, पर लेकिन ये फैसला ज़रूरी था। तो क्या कुछ हरियाणा बोर्ड ने फैसला लिया है, तो चलिए मैं आपको सारा कुछ डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करके ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए अब सीधा खबर की ओर चलते हैं। तो यार आप ये देख सकते हैं, ये आज के अखबार की कटिंग है, और इसमें लिखा हुआ है कि 10वीं 12वीं की परीक्षा के सफल संचालन के लिए गठित केवड़न दस्ते। ये खबर नॉर्मल है, मैं आपको बताता हूँ कि रियल अपडेट क्या है। ये तो आपको जैसे कि पता है, भी हर साल फ्लाइंग स्क्वाड का वो गठन तो हरियाणा बोर्ड करता ही है, तो इस बार क्या कुछ नया आया है तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम 29 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेंगे, ठीक है, और आपके जो है वो 30,000 बच्चे परीक्षा देंगे, और 44 सेंटर्स हैं बनाए गए हैं पूरे हरियाणा में, ठीक है। कितने 44 सेंटर्स, सिर्फ 44 सेंटर जो है वो पूरे हरियाणा में बनाए गए हैं, और इस बार जो है वो 44 सेंटर के लिए 60 फ्लाइंग स्क्वाड, हाँ जी 60 फ्लाइंग स्क्वाड, यानी सेंटर से ज़्यादा जो है वो फ्लाइंग स्क्वाड बनाई गई है। यानी आप सोच सकते हैं कि आपके सेंटर पर हर टाइम फ्लाइंग तो रहेगी, क्योंकि 44 सेंटर है और 60 फ्लाइंग टीम जो है वो बनाई गई है। तो 60 फ्लाइंग टीम में इस बार जो है वो 11 रैपिड एक्शन फोर्स उड़न दस्ते भी शामिल है। रैपिड एक्शन फोर्स जो उड़न दस्ते होते हैं वो सामान्यतः ऐसे देखने को नहीं मिलते हैं हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं में, लेकिन इस बार जो है वो 11 रैपिड एक्शन फोर्स के उड़न दस्ते भी जो है वो आएंगे। तो इस वजह से जो है वो इस बार सख्ताई काफ़ी ज़्यादा रहेगी। 44 सेंटर हैं और 60 फ्लाइंग स्क्वाड वाले हैं, फ्लाइंग स्क्वाड बनाई गई है। इसमें एक चेयरमैन फ्लाइंग होगी, एक सेक्रेटरी की फ्लाइंग होगी, और एक ज्वाइंट सेक्रेटरी की फ्लाइंग होगी, और एक उप सचिव और एक सहायक सचिव उड़न दस्तों के अतिरिक्त, 22 जिला प्रश्न पत्र, 22 अध्यक्ष स्पेशल, 11 रैपिड एक्शन फोर्स उड़न दस्ते जो है वो बनाए गए हैं। तो यार आप देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि इस बार जो है वो किस हिसाब से जो है वो मतलब चेकिंग की जाएगी। तो इस बार मैं आपसे यही कहूँगा कि कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हम पर्चियाँ वगैरह लेके जाएंगे, तो आप मत लेके जाना, क्योंकि आपके सेंटर पर जो है वो हर सेंटर पर जो है वो फ्लाइंग स्क्वाड जो है वो रहेगी, सख्ती काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो अगर आप लेकर जाओगे तो आपके फंसने के पूरे चांसेस हैं, बाकी आपकी मर्जी, जैसे भी आपको ठीक लगे। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस बार जो है वो पर्चियाँ वगैरह ना लेकर जाएँ, और अपनी ईमानदारी से करें। तो यार ये मेरे को अपडेट देनी थी, तो ये काफ़ी ज़रूरी अपडेट थी। इस बार जो है वो सेंटर पर सख्ती रहेगी, तो आप नकल के भरोसे ना जाएं, अपनी मेहनत से जाएं। अगर ये अपडेट आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।